नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में हैं। बागेश्वर धाम महाराज के नाम से विख्यात पंडित धीरेंद्र शास्त्री लोगों के मन की बात पढ़ने का दावा करते हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। महाराज लोगों की समस्या बिना बताए ही पढ़ लेते हैं और फिर उनके मन की बात को बताते हुए कागज पर समस्या का समाधान बताते हुए लिखते हैं कि जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित सिद्ध स्थान बागेश्वर धाम सरकार देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है। बागेश्वर धाम के दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर बाबा लोगों के मन की बात कैसे जान जाते हैं। बागेश्वर सरकार का दावा है कि उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो लोगों के मन की बात जान जाते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास ऊपर से कनेक्शन है, उन्हें ऊपर से सिग्नल मिलता है, इस सिग्नल के जरिए ही लोगों की समस्या जानते हैं। बागेश्वर महाराज की इन्हीं शक्तियों के कारण बागेश्वर धाम में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बागेश्वर महाराज लोगों के मन की बात कैसे जान जाते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि यह एक आर्ट होता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे चेहरे में उसी तरह के भाव आते हैं जिसे कुछ लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्रेल लिपि के सहारे से बिना देख पाने वाले लोग भी पढ़ लेते हैं। ठीक उसी तरह मेंटलिस्ट होते हैं जो लोगों के चेहरों के भाव को पढ़ लेते हैं। देश दुनिया में कई ऐसे मेंटलिस्ट हैं जो इस तरह से भाव को पढ़ लेते हैं। हाव भाव और शारीरिक चेष्टाओं के अलावा सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, इसके साथ ही उसके बात करने का तरीका क्या है, यह उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। अगर किसी के पास मेंटलिस्ट का आर्ट होता है तो वो भी इस तरह से दूसरों के मन की बात को समझ सकता है। इसके साथ ही कुछ लोगों के पास सम्मोहन की भी आर्ट होती है जो लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। सुहानी नाम की एक लड़की है जो इस तरह से लोगों के मन की बात जानने में माहिर है। बागेश्वर धाम अक्सर हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर भी वो अपने बयान देते हैं। बागेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं धर्मांतरण के खिलाफ लोगों को जगाने के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन हम आपको बता दें, विंध्य भारत इस तरह के किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, साथ ही किसी की आस्था को भी हम ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। ना ही हमारा ये मकसद है और ना आगे रहेगा। अगर खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।